केले के छिलके में से केला निकल जाए, छिलका रोड पे पड़ा हो तो कोई नहीं कहता केला है, सब कहते छिलका है, उठा के फेंको। तो वो केला तब तक कहलाएगा जब वो गूदे के साथ होगा। ऐसे ही शुभ उपयोग की कीमत भी शुद्ध उपयोग के साथ है। कीमत माने मोक्ष मार्ग कहने की कीमत, वो मोक्ष मार्ग तब भी नहीं है, तब भी उससे बंद होता है, लेकिन वो शुद्ध उपयोग के साथ हो तो वो शुभ उपयोग। अब अभी अभी अपना देखो, हम जिस शुभ भाव को लग कर रहे हैं, हो रहे हैं जो शुभ भाव, और इस शुभ भाव से अपना भला माने तो हम कितने बड़े मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि हमारे पास शुद्ध उपयोग नहीं, आत्मा की खबर नहीं, आत्मा का निर्णय नहीं, तत्व से प्रेम नहीं, पर जरा सा दया दान पूजा भक्ति प्रसील संयम आदि का शुभ भाव है, इसमें ही खुश होते रहते हैं, तो हमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कौन है? और ऐसी मान्यता वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ये और खतरनाक है। जो शुभ भाव से भला माने और इनको अच्छा माने वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अभी सब लोग ऐसा भाषण दे देते हैं कि अशुभोपयोग से बचने के लिए शुभ उपयोग करना चाहिए। क्या कहते हैं? अशुभोपयोग से बचने के लिए शुभ, ये बात कहने में ही ये बात निकल के आ गई कि अशुभोपयोग शुभ उपयोग में भेद है और शुभ उपयोग अच्छा है। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है, ये भूल। तुम्हें जीव को अशुभ से बचाना है कि जीव को स्वरूप में ले जाना है? अशुभ से बच के मिलेगा क्या जीव? क्या मिलता है? अशुभ से तो हम अनंत बार बच गए ना। और हकीकत पूछो तो श्री गुरु तो ये कहते हैं कि शुभ उपयोग अशुभयोग का कर्ता जीव है कहाँ? वो तो देखो, हर अंतर मुहूर्त में जीव का उपयोग पलटता है। पता है आपको, एक कर्ण अनुयोग का सिद्धांत है, कोई भी महापापी से पापी हो तो वो 48 मिनट से ज़्यादा पाप नहीं कर सकता, उसको बीच में एक शुभ उपयोग आता है। और कितने ही बड़ा सदाचारी हो, वो 48 मिनट से ज़्यादा शुभ उपयोग नहीं रख सकता, फिर उसको अशुभ उपयोग का भाव आता है। ये तो करना नहीं होगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि शुभ अशुभ का कर्ता जीव नहीं है, जीव इसका कर्ता अपने को मानता है, इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं समझ में आया? देखो, कोई ये कहे वज्रसेन जी के मोक्षुओं के पास गुरुदेव के जो बताए हुए मार्ग में जो है, इन्हीं को सम्मिश्रण क्यों हो सकता है, अन्य को क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो पूज्य गुरुदेव ने जो वस्तु का स्वरूप समझाया है वो एक्चुअल वस्तु का स्वरूप है। अगर जीव उस पर चले तो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन जो अन्य लोग हैं वे वस्तु स्वरूप के विपरीत ही बोलते हैं, वहाँ सच्चा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, वहाँ शुभ भाव में धर्म बताते हैं, वहाँ शुभ भाव से भला बताते हैं, अशुभ उपयोग से बचाना और शुभ उपयोग में लगाना यही बताते हैं। तो वहाँ ऐसी मान्यता पूर्वक वे जीव जीते हैं तो उनको सम्मिश्रण की प्राप्ति होगी कैसे? नहीं समझ में आई बात? लोग ऐसा कहते साहब का तुम्हारे बाप का ठेका है कि तुम्हारे ही होगा? हमारे बाप का ठेका नहीं है, हम ये कह रहे हैं जहाँ सच्चा वस्तु का स्वरूप होगा वहाँ सम्यक दर्शन होगा, जहाँ वस्तु का स्वरूप नहीं होगा वहाँ सम्यक दर्शन होगा कैसे? जो ईश्वर को कर्ता मानेंगे वहाँ सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ पर राग द्वेष को जीव का स्वरूप मानेंगे वहाँ सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? जहाँ जड़ की क्रिया को मैंने किया ऐसा मानेंगे वहाँ सम्मिश्रण कैसे हो जाएगा? और नहीं होगा, और उपदेश भी रात दिन यही दिया जा रहा है तो और भी नहीं होगा, क्योंकि वो उपदेश जो सुन रहा है वही ग्रहण कर रहा है, इसलिए फिर वहाँ सम्मिश्रण नहीं होता। इसलिए शुभ भाव में कोई लगे रहते। देखो, आप कितने लोगों से मिलते हैं वो पता नहीं, लेकिन व्यवहारियों से मिलो कितने गृहित मिथ्या दृष्टि होती नहीं होते? महाराजों को आहार देते हैं, समझना मेरी बात, रात्रि भोजन भी नहीं करते, मैं कहता हूँ जमी कंद आदि भी नहीं खाते, अष्टमी को हरी आदि भी नहीं खाते, मान के तो भी गृहित मिथ्या दृष्टि होती है। भगवान से सुख दुख की आशा करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो दुख मिट जाएंगे,
भक्तांबर जी का पाठ करेंगे तो घर में कष्ट दूर हो जाएंगे, इस मान्यता से भक्तांबर का पाठ करते हैं। अब बोलो, अब ऐसे जीव को सम्मिशन की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारा कोई परम सौभाग्य है कि हम गुरुदेव के मार्ग में, लेकिन अब ये दुर्भाग्य में बदलने में लगे हैं। ये दुर्भाग्य में बदलने में कैसे लगे हैं कि हम भक्तांबर पढ़ना तो छोड़ दिया, भगवान से मांगना तो छोड़ दिया, लेकिन अंदर भगवान आत्मा का अनुभव करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते। तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि ग्रीत मित्यात भी जीव ने अनंत बार छोड़ा है, तो अगर इस भाव में भी हमने थोड़ा छोड़ दिया तो क्या हुआ, खत्म, अगला भाव पे फिर कहीं ग्रहण कर लेंगे, उससे तो कुछ होता नहीं। इसीलिए गहराई से अपने को आत्मा से ज़्यादा प्रेम जगत में किसी से नहीं होना चाहिए।